खास मैं आपको पास्ता बनाना सिखाती हूँ, जिसके लिए हमें मटेरियल चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए मैंने एक बड़ा बॉल लिया पास्ते का, थोड़ा एक छोटा मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, और मीडियम साइज़ की एक मैंने शिमला मिर्च ली, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली, और मैंने एक चम्मच नमक लिया, एक वाइट सॉस लिया, आप कोई भी ले यूज़ कर सकते हो, मैंने ये यूज़ किया है, और एक मैंने थोड़ा हॉट एंड स्वीट लिया सॉस, और थोड़ा सा मैंने ये सोया सॉस लिया, और एक डेढ़ चम्मच मैंने ऑयल कर लिया। अब हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये एक पैन लिया, उसमें मैंने 3 ग्लास पानी के डाले और मैंने इसको बॉयल कर लिया। ये पहले ही मैंने इसको बॉयल करके रख लिया था, अब ये बॉयल हो गया है। इसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच नमक डालूंगी और 1 चम्मच इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। ठीक है, जो हमारे पास ये एक बॉल पास्ता लिया था वो भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। जब ये पूरा बॉयल हो जाएगा तो पानी को हम निकाल लेंगे और पास्ता अलग करके रख लेंगे। अब हमारा पास्ता जो है ना वो पक चुका है, अब हम गैस जो बंद कर देंगे, बंद करके इसको इसके अंदर गर्म इसके अंदर इसका पानी निकाल देंगे। इसका पानी सारा निकल गया। अब इसको दूसरी पैन ऑन रखेंगे और गैस ऑन करेंगे। जब थोड़ा गर्म हो जाएगा इसमें कम से कम 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डालेंगे। ठीक है, जब थोड़ा ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा तो हम उसके अंदर ये प्याज जो कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज हमारा थोड़ा सा भून चुका है तो इसके अंदर हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब दोनों को हम इकट्ठा भूनेंगे। हमारा प्याज जो है इतना भून गया है, ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि इतना ही भूनना है हल्का सा। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च, 1/4 चम्मच डाला मैंने हरी मिर्च का, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, बाद में चेक करके और भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने नमक और मिर्च डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पास्ता जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, उस सारे पास्ते को इसके अंदर डाल दूंगी। इसको हल्का सा इसके अंदर मिक्सर गैस स्लो कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सोया सॉस 1/2 चम्मच, उसके बाद मैं इसके लिए ये हॉट एंड स्वीट सॉस डाल दूंगी। इसमें मैंने 2-3 चम्मच लिए हैं बड़े के, मैंने मीडियम साइज के 2-3 चम्मच लिए हैं। जब जो मैंने वाइट सॉस रखी थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा क्रीमी बन जाता है। पास्ता ऑलमोस्ट बन चुका है। मेरे पास ये मैजिक मसाला है, आपकी मर्जी आप मत डालो, लेकिन मेरे बच्चे लाइक करते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 मैजिक मसाला भी डाल देती हूँ, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपने नहीं डालना तो मत डालना। हमारा ये पास्ता रेडी हो चुका है, अब हम इसको
इसके अंदर डाल दो। ये लो हमारा पास्ता रेडी हो गया है।